गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने देखी थी लेंथ की यूनिट। लेंथ की ऐसा यूनिट देखी थी ना, मीटर होती है। मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, एक लेंथ याद कर लेना, एक मास और एक टाइम। ये आपके तीन ही काम आएंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। एक किलोग्राम कितने के बराबर होता है? हज़ार ग्राम की, आप सभी को पता भी होगा। हज़ार ग्राम, ठीक है। एक किलोग्राम कितने के बराबर होता है? हज़ार ग्राम के, और हज़ार ग्राम एक किलोग्राम के, ठीक है। ऐसे ही 1/2 केजी करेंगे तो 500 ग्राम, 2 केजी करेंगे तो 200 ग्राम्स। ऐसा यूनिट ऑफ सेकंड मीन सेकंड की ऐसा यूनिट क्या होगी? टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। एक मिनट आप सभी को पता है 60 सेकंड के, तो एक सेकंड कितने के बराबर? 1/60 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि मीन्स मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले, जैसे मान लो अपना ये स्केल है, तो हमारी आई की पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आई मीन्स अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगा। तो आई पोजीशन ऑफ सेंटर इज करेक्ट टू गेट एक्यूरेट मेजरमेंट, मीन्स आपकी आई की पोजीशन सही होनी चाहिए। वाहिल वन इज लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन विल बी सम एरर इन मेजरमेंट। अगर हम लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से देखते हैं तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट में एरर आ जाती है, ठीक है। और आई मस्ट बी एग्जैक्टली अबो द पॉइंट, मीन्स हमारी आंखें पॉइंट के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। वेयर एज द मेजरमेंट इज टेकन इन ऑर्डर टू अवॉइड पैरेललॉक्स एरर। अब पैरेललॉक्स एरर क्या होता है? जो एक्यूरेंसी नहीं आती उसको बोलते हैं हम पैरेललॉक्स एरर। जैसे मान लो ये हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अब कोई यहाँ से देख रहा है तो उसको थोड़ा सा पॉइंट इधर दिखेगा, अगर इधर से देख रहा है थोड़ा पॉइंट इधर दिखेगा। तो पैरेललॉक्स एरर इज ड्यू टू इंक्रीज पोजिशन ऑफ द आई, मीन्स इनएक्यूरेट अगर आपकी पोजिशन होगी आई की, तो उसको हम बोलते हैं पैरेललॉक्स एरर। व्हेन टेक रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट, जब हम मेजरमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। जैसे आपको इस तरह की कोई कर्व्ड लाइन दे दी, तो इसके लिए हम मेजर कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक थ्रेड का यूज करेंगे, धागे का। कैसे करेंगे? एक धागे से, जैसे यहाँ से धागे को स्टार्ट करेंगे, फिर इस तरह से इसको लेते हुए यहाँ से जाएंगे और फिर उसको स्केल पे रख लेंगे, ठीक है। तो वी कैन नॉट मेजर यूज द लेंथ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली यूजिंग मीटर स्केल, मीन्स हम मीटर स्केल यूज करके इसको सीधा प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें एक थ्रेड लेना पड़ेगा, धागा, और जैसे हमने यहाँ से धागा लगाया, फिर उसको पकड़ के इस तरह से मेजर कर लेंगे और फिर उसको स्केल पे रख लेंगे, ठीक है। तो वी कैन यूज ए थ्रेड टू मेजर लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। तो हम जो है थ्रेड यूज करते हैं कर्व्ड लाइन के लिए।